हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग है शॉपिंग से रिलेटेड। तो मैं गई थी शॉपिंग करने नकाब की, जिसको हम बुरखा भी कहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टोर पे विजिट किया बेस्ट बुरखे की तलाश में। तो मैं फर्स्ट स्टोर पे गई, यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे किस टाइप का बुरखा चाहिए। मुझे चाहिए था ब्लू शेड में बुरखा विद रेशम वर्क। तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं, मुझे पसंद नहीं आया यहाँ पे बुरखा। तो मैं सोच रही थी दूसरे स्टोर पे जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे कैसा रहता है, पसंद आता है कि नहीं। और बाबू को हर जगह अपनी इंजॉयमेंट की पड़ी रहती है। यहाँ पे देखिए, ये रोड पे सारी गाड़ियों को देख रहा है और खुश हो रहा है। ये तो मैं आ गई हूँ अब दूसरे स्टोर पे, यहाँ पे अपने पसंदीदे बुरखे की तलाश में। देखिए मुझे यहाँ पे भी मिल पाता है कि नहीं। यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी, बट स्टिल जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पाया यहाँ पे भी। अगर आप लोग भी दिल्ली से हैं और बुरखा परचेज करना चाहते हैं तो बाटला हाउस में ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं बुरखा के और बहुत ही अच्छे स्टोर हैं। बाटला हाउस जामिया नगर, प्लीज़ विजिट करें। मैं आ गई हूँ तीसरे स्टोर पे। तो यहाँ पे ये स्टिचिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक पसंद किया और इनको अपना नाप दे के इनको स्टिच करने के लिए बोल दिया। तो ये स्टिच करके रेडी करके मुझे देंगे 2 दिन में। तो फाइनली मैंने, जब हम वापस घर को आ रहे थे तो मुझे रास्ते में एक और बुरखे का स्टोर दिख गया, तो मैंने यहाँ पे भी विजिट कर लिया देखने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लोर। भूख तो लग गई थी, मैंने सोचा चलो मोमोज पैक करा लेते हैं, घर पे जाके आराम से बैठ के खाएंगे। बाबू बहुत थक गया था, ये रो रहा था कि मुझे गोदी ले लो, अभी अपने पापा की गोदी में चढ़ जाएगा और तब घर तक, जब तक घर नहीं पहुंचेगा तब तक गोदी से नहीं उतरेगा। चलिए बाय बाय, अब हम घर जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट।